बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज मैं बना रही थी फेमस दही बड़े बंस रोड के, तो मैं आपको ही बताऊं किस तरीके से मैं बनाती हूं। आधा किलो मैंने दही ली है, आधा कप चीनी और आधा कप दूध। सबसे पहले मैं दही को बीट कर लूंगी। अच्छी तरह मेरी दही बीट हो गई। अब मैं इसमें दूध और चीनी इसमें ऐड करूंगी। अब इसे मैं अच्छी तरह बीट कर लूंगी। इस तरह मैंने दही बीट कर ली। चीनी मैंने पहले ही दूध में ऐड की हुई थी, इसलिए चीनी अच्छी तरह उसमें घुल गई। अब मैं इतने इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी एक दो घंटे के लिए। अच्छी तरह ठंडी हो जाएगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं बेसन फुलकियों का बनाऊंगी। इसमें मैं एक कप बेसन लूंगी, इसको मैंने छाना हुआ है। दो टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, नमक, ज़ीरा और बेकिंग पाउडर। दो चुटकी के करीब मैंने बेकिंग पाउडर लिया है, नमक हसबे जायका, ज़ीरा। और एक टेबलस्पून ही ऑयल लिया है। और मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसको अच्छी तरह बीट कर लूंगी। बस अब मैं इसे अच्छे से बीट करूंगी। मैं आपको ये बीट करके दिखाती हूँ किस तरीके से ये मैं रखूँगी। देखें ये अच्छी तरह घुल गया। ये इस तरह इसकी थिकनेस रखनी है हमने। ये देखें आयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। आयल मेरा गरम हो गया। अब मैं इसे इस तरह करके मैं डालती हूँ। अब मैं आपको डाल के दिखाती हूँ किस तरीके से मैं बना रही हूँ। ये देखें इस तरीके से हो जाए तो आप निकाल लें। बहुत छोटी छोटी बहुत अच्छी लग रही हैं। मैं दूसरा भी इसमें बैच डाल देती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए बन गई हैं फुल्कियाँ। अब मैं इसे मैंने पानी में भिगो दिया था 10 मिनट के लिए। अब मैं इसे पानी में से निकाल के और इसे दही में डाल दूँगी इस तरह करके हल्के हाथ से, और इसे हम दही में डाल देंगे। देखिए अब मैं सारी इसी तरह कर दूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दही बड़े बन के मेरे तैयार हो गए। इस तरह देखें दही की थिकनेस भी इसी तरह रखिएगा। बहुत मज़े के बनते हैं। इंशाल्लाह अगली रेसिपी में मिलूंगी मैं आपसे। अल्लाह हाफिज़।